गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एसएस का लेसन नंबर 8 एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर चलूंगी मैं, जिसमें आज आपका टॉपिक है लैंड एंड सॉयल प्रदूषण। तो ये क्या है? पृथ्वी और मिट्टी का प्रदूषण है, उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए, द लैंड और सॉयल पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट सच एज प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल्स एंड मेटल कंटेनर्स ऑन द लैंड। देखिए, पहले तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि ये होता कैसे है। अब क्या करते हैं लोग, धरती पे पोल्यूशन कैसे फैलाते हैं? जितना भी वेस्ट होता है, उन्हें तो अपने घर से कचरा निकालना है। आप भी आ गए इसमें और हम भी आ गए। हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ठोस वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट यानी ठोस वेस्ट है, बर्बाद चीज़ें हैं, प्लास्टिक बैग्स हैं और हमारी इवन ग्लास बॉटल्स हैं और कोई मेटल के कंटेनर्स हो गए। कंटेनर्स यानी वो डिब्बे होते हैं मेटल के, जैसे आपके क्या आते हैं, कई बार स्पंजी रसगुल्ले आते हैं, जो वो क्या होते हैं, कंटेनर में पैक होते हैं। और जो सूखा दूध होता है वो भी क्या होता है, कंटेनर में पैक होता है। चलिए उससे भी बड़ा एग्जांपल, आप लोग वो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो कंटेनर में आती है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, उसे हम सब फेंक देते हैं, तो वो क्या करती है, हमारी पृथ्वी को प्रदूषित करती है। द मेन सोर्सेज ऑफ लैंड सॉयल पोल्यूशन आर, जो मुख्य स्रोत हैं इसके प्रदूषण के, वो क्या है, सॉलिड वेस्ट, जो ठोस वेस्ट होता है, बर्बाद चीज़ें होती हैं, रिफ्यूज फ्रॉम माइंस, और जिन्हें क्या करते हैं, खदानों से रिफ्यूज़ कर देते हैं, बड़ी बड़ी खदानें होती हैं उनसे जो चीज़ बेकार होती है उन्हें निकाल देते हैं, फॉरेस्ट, जंगल और कृषि की जो चीज़ें होती है वेस्ट, जिसके कारण क्या बढ़ता है, हमारा पृथ्वी पर प्रदूषण बढ़ता है, मिट्टी पर प्रदूषण, मिट्टी का प्रदूषण बढ़ता है। इफेक्ट्स, प्रभाव, लैंड पॉल्यूशन मेक द सॉयल इनफर्टाइल। इनफर्टाइल का मीनिंग क्या होता है, फर्टाइल तो होती है उपजाऊ, और ये क्या होती है, अनुपजाऊ। क्या होती है ये, अनुपजाऊ, यानी उसकी पैदा करने की क्षमता, पैदावार की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, किसकी, मिट्टी की। एग्रीकल्चर में दिक्कत आती है इससे। इट हार्म्स द टीनी ऑर्गेनिज्म, ये छोटे छोटे जीवाणुओं को भी क्या करती है, हानि पहुंचाती है, लिविंग इन द सॉयल, जो मिट्टी में रहते हैं, एंड एडवर्सली इफेक्ट द ग्रोथ, और बुरी तरह से प्रभावित करते हैं किसकी ग्रोथ को, किसकी बढ़ोतरी को, ऑफ द प्लांट, पौधों की बढ़ोतरी को, एंड वेजिटेशन, और वनस्पति को। नेक्स्ट है हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन। नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है, ध्वनि, प्रदूषण। देखिए, इंडस्ट्रियल एरियाज आर मोर प्रोन टू द नॉइज पोल्यूशन, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं किससे, ध्वनि प्रदूषण से। मैं आपको जनरल एग्जांपल देती हूँ, चलिए आप इसे छोड़िए, मैरिज लगा लीजिए कोई है, ठीक है, डीजे चल रहे हैं, तो वो भी क्या है, नॉइज पोल्यूशन है। अगर मान लीजिए आसपास कोई बीमार है, उसे कोई दिक्कत होती है, लेकिन जिसके घर पर मैरिज है वो तो अपना डीजे उसी साउंड से चलवाता है जिससे उससे चाहिए, तो ये क्या है, नॉइज पोल्यूशन है। व्हीकल्स की सारा दिन क्या होती है, आजकल सब अपनी बाइक्स में क्या लगा के रखते हैं, वो बुलेट्स में आवाज़ आती है, बुलेट तरक्की है पटाखे पौन, तो ये वही इफेक्ट है, वो उनके लिए तो वो एक मजाक हो जाता है, अपने मन की शांति हो गई, लेकिन क्या होता है इससे, हमारा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। द प्रेशर ऑफ नॉइस इन द एटमोसफेयर इज कॉल्ड साउंड और नॉइस पोल्यूशन, जो दबाव पड़ता है, प्रेशर यानी दबाव पड़ता है हमारे वातावरण पर, वो क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है। ह्यूमन बींग्स कैन हियर द सॉफ्टेस्ट साउंड विद एन इंटेंसिटी ऑफ 20 डेसिबल्स, जो इंसान है उसकी कैपेसिटी कितनी है सुनने की, 20 डेसिबल्स। एनी साउंड लाउडर देन 90 डेसिबल्स इज हार्मफुल फॉर ह्यूमन ईयर्स, 90 डेसिबल से ज़्यादा जो भी साउंड है वो इंसान के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। द नॉइज़ पोल्यूशन इज मेनली कॉज्ड बाय द व्हीकल्स, जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो किसके कारण होता है, व्हीकल्स, वाहनों के द्वारा, एरोप्लेन्स, जहाज़ों के द्वारा। ये देखिए, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, डीजे, इधर ये लगा हुआ है, क्रैकर्स का साउंड हो गया,
जिसके कारण क्या होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इफेक्ट्स, प्रभाव देखिए, इट इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ एंड आल्सो हार्मफुल फॉर द ईयर्स एंड हर्ट। ये क्या करता है, मानव के शरीर को, स्वास्थ्य को दिक्कत पहुंचाता है, जो क्या करती है, इंसान के कानों और इवन हर्ट, दिल तक को भी क्या है, दिक्कत देता है, हानि पहुंचाता है। तो आज मैंने आपको दो टॉपिक क्लियर करवाए हैं इसके, लैंड और सॉइल पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन। सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।